आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार आगरा आगमन पर निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। लेकिन 403 विधानसभाओं में एक भी विधानसभा नहीं है जिसमें रहते ना हो, कम ज्यादा हो सकते हैं। अपने खासतौर से आगरा अलीगढ़ मंडल में तो आप समझ ही रहे हैं। मैं तो ताज्जुब में नहीं हुआ, लेकिन ग्वालियर के एमपी और मुरैना के एमपी और धौलपुर के ताज्जुब कर गए कि गोहद में भी, महगांव में, फूप में, अटेर में, रोहन में, अशोकनगर में, ईसागढ़ में, भदरवास, कोलारस, नई सराय, चाचौड़ा, अपनी चंदेरी, इधर दिमनी, परसपुर, श्योपुर कला, पचोर, हर जगह भरे पड़े हुए हैं। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ और आपके सामने कह रहा हूँ, अगर किसी समाज का बाई दबे MLA ना आ पाए और MP ना आ पाए तो जहाँ पर्षद है वहाँ पर्षद में लाना चाहिए, और जहाँ नहीं तो राज्यसभा में लाना चाहिए, और मंत्रिमंडल में भी ऐसे समाज को पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये दीनदयाल जी के सपनों का अंत्योदय है। 2:35 पर मैं मथुरा में भाषण कर रहा था, क्योंकि 400 लोगों में भाषण नहीं होता है, माला पहनी जाती है। ग्वालियर में 1:40 पर तब अंतिम भाषण हुआ, जब 23 प्रोग्रामों को पोस्टपोन करना पड़ा, मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँगा। इसका मतलब है कि मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा है। आप कहेंगे यूपी का चुनाव, तो यस, जिन जिन समाज के लोग, जिन वर्ग के लोग मंत्री बने हैं, दो बातें वो नहीं भूलते हैं, एक अपमान नहीं भूलते हैं, एक एहसान नहीं भूलते हैं। विभिन्न पार्टियों ने जो आज तक मंत्री नहीं बनाया वो अपमान है, और ये एहसान है कि मोदी जी ने मंत्री परिषद में, तो पूरी जब आती है ना कहीं से, तो खानदानी आदमी होता है तो लौटाते हुए उस पर गुना रख के लौटाता है। तो 22 में कहने से पहले मैं कहता हूँ यस, 22 में, बल्कि मैं कहता हूँ आगरा में मैंने आगाज कर दिया। जनता ने सांसद बनाया, जिन विश्वास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्री परिषद में शामिल किया है, उस पर आप सबके सहयोग से खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं क्वेश्चन को टालूंगा नहीं, मैं स्वयं मांग करता रहा हूँ,